चाइल्ड प्रोटेक्शन को समझने से पहले हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि बच्चे के लिए क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो कि उसके लिए एक uh, uh, हार्मफुल हो, okay. हो सकते हैं एडवर्स हो सकते हैं सो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जनरली हैं क्या okay. और उसके अंदर क्योंकि व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि चाइल्ड ये समझना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड अब्यूज़ या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो कोई आइसोलेटेड टॉपिक्स नहीं हैं okay. वो ऐसी चीज़ है जो हमारे सोशल फैब्रिक के साथ जो हमारी जिंदगियों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए जुड़े हैं सो so, अगर हम आ, घरों की बात करते हैं ठीक है थीके? कि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है अट्ठारह साल की उम्र तक वो क्या क्या एक्सपीरियंसिस ऐसे एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि उसके लिए हार्मफुल हों जैसे फॉर okay. एग्ज़ाम्पल उसकी इमोशनल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ क्या वेलबींग well उसकी प्रोटेक्टेड है या नहीं है hmm. उसको कोई इमोशनल अब्यूज़ तो नहीं है उसको आ, कोई इमोशनली चीज़ जो है माँ बाप ही कभी कभार ऐसे अल्फाज बोल देते हैं या हार्श पेरेंटिंग कर लेते हैं हार्श फिज़िकल पनिशमेंट्स दे सकते हैं जिससे वो बच्चा हार्म हो रहा होता है और वो कभी okay. कभार वो इतने ज़्यादा हो जाता है कि वो अब्यूज की तरफ चला जाता है यानी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसको अगर आप घर के लेवल पे देखें तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स शामिल है सिर्फ बच्चे हाँ। को स्टार्टिंग फ्रॉम होम क्योंकि बाकी जो स्कूल है या जो स्टेट की जिम्मेदारी है उस पर हम बाद में आएंगे लेकिन घर के अंदर जैसे आपने कहा कि बच्चे को एडवर्स एक्सपीरियंसेस से बचाने के लिए तो वो एडवर्स एक्सपीरियंसिस आपने कहा कि बच्चे को फिजिकली हार्म से बचाना कोई उसको मारे नहीं या कोई उसको मतलब कहीं उसको चोट लगने से बचाना इस तरह के वो जो फिजिकल बच्चे so, को हम इस तरह देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या वो उस बच्चे को फिजिकली कोई मारपीट तो नहीं हो रही है कोई पोटेंशियल हार्म तो नहीं है सो फिज़िकल अब्यूज तो कहीं नहीं है क्या उसकी इमोशनली वेलबींग well उसकी जो इमोशनल well उस वेलबींग तो, है वो तो उसकी जो नफसयाती उसकी जो प्रोसेस हैं वो हम कहीं ऐसे लफ्ज़ तो नहीं बोल रहे या ऐसा उसको बेज़त तो नहीं कर रहे इन सिंपल वर्ड्स कि वो अपनी जो सेल्फ इस्टीम है वो उसकी ख़राब हो रही हो जैसे कि कभी कभार हम बच्चे को नाम रख देते हैं आ, उसकी जिसम की वजह से या उसकी जो कोई आ, काला मोटा फलान ढिमका इस तरह के लव्स बहुत हमारे कल्चर में कॉमन हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को छोटा आ, रख देते हैं ना बिल्कुल लेकिन वो कहीं कही ना कहीं उसको मेंटली अफेक्ट कर रहे होते हैं इमोशनली अफेक्ट कर रहे होते हैं सो इमोशनल अब्यूज तो उसका कहीं नहीं हो रहा उसको कोई कहा तो नहीं जा रहा जिसकी वजह से वो ह्यूलिएट फील कर रहा हो प्लस ये तो फिज़िकली जिनसी तशद्द से उसका किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं घर के अंदर आपने जिस तरह बात की है कि एट्टी परसेंट से ज़्यादा आपके जो चाइल्ड सेक्शुल अब्यूज़ की जो पर्पट्रेटर्स होते हैं जो करते हैं वो स्ट्रेंजर्स नहीं होते okay. वो वो होते हैं जो बच्चे को जो बच्चा जानता है जिनको hmm. आ, या घर में फ़ैमिली मेबर्स होते हैं लड़कियों के लिए अक्सर ऐसा होता है कि वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं लड़कों के लिए अक्सर ऐसा होता है कि वो कोई किसी ना किसी तरीके से उस बच्चे को वो जानते हैं जैसे कोई शॉपकीपर है या उसकी ट्यूशन का टीचर है या कोई इस तरह की चीज़ है